आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। मनिहारन मनिहारन तुम बड़ी भागनी, सेठ जी कहते जा रहे थे और उनके आँखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी। मनिहारन भी कह रही थी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सेठ जी धन नहीं चाहिए, मैं तो धन हो गई, मुझे तो राधा धन मिल गया। सेठ जी रो रहे थे, मैं पहचान नहीं सका, मैं आपकी बात को मान नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो मनिहारन, तू मुझसे कितनी भाग्यवान है। मैंने तो राधा रानी को अपनी बेटी माना था पर मैं आज तक उनके दर्शन नहीं कर सका, आज माने बेटी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, राधा रानी ने आज मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, पर तूने तो साक्षात ही दर्शन कर लिए हैं। ले 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 ले, अब तो राधा रानी की चूड़ियों की पहनाई तू ले ले। पर मनिहारन फपक फपक कर रो रही थी और कह रही थी, सेठ जी मुझे तो राधा धन मिल गया, राधा धन मेरा तो राधा धन, मैंने तो राधा धन पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहानी बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही मार्मिक है। जो भी इस कहानी को सुनता है अपनी आँखों से आंसुओं को नहीं रोक पाता है। मथुरा में सेठ जी रहते थे और उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया हुआ था। वो राधा रानी को निरंतर भजते रहते थे और उनको हर चीज़ में अपनी बेटी मानते थे। खाना कहने के खाना खाने के पहले भी कहते थे, आ जाओ राधा रानी आप भोग लगा लो, बेटी प्यारी राधा रानी भोग लगा लो, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। एक दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उन्होंने मनिहारन को बुलाया और कहा, आप हमारे घर में जाइए और हमारी बहुओं और बेटियों को चूड़ी पहना दीजिए। उन्होंने कहा, हमारी बहुओं और बेटियों को भी चूड़ी पहना दीजिए। और मनिहारन गई, मनिहारन ने सब बहुओं को चूड़ी पहना दी। सेठ जी की तीन बहुएँ थीं, तीनों बहुओं ने सुंदर सुंदर चूड़ी पहनी। अब राधा रानी भी आ गई बड़ा सा घूंघट डाल के और हाथ कर दिया मनिहारन के सामने, मुझे तो पचरंगी चूड़ी पहना दो, है ना, जिसमें पांच रंग हो, मैं पचरंगी चूड़ी पहनूंगी, मैं श्याम के नाम की पचरंगी चूड़ी पहनूंगी। अब वो मनिहारन को समझ नहीं पाई और उसने राधा रानी को पांच रंग की चूड़ी पहना दी और राधा रानी ने बड़े खुश होकर पांच रंग की चूड़ी पहन ली। बड़ा सा घूंघट, लाल सी चुनरिया, लाल सा लहंगा, बड़ा सा घूंघट, इसलिए वो मनिहारन का पहचान है। उसने कहा, सेठ जी की ही बहू होगी। अब उसने चूड़ी पहना ली, अब वह चूड़ी पहना कर चली गई और सेठ जी की दुकान पर पहुंची और कहने लगी, सेठ जी पैसे दे दो। सेठ जी ने कहा कि जो है ठीक है, तीन बहुओं की चूड़ियों के पैसे सेठ जी ने दे दिए। मनिहारन लड़ने लगी, मनिहारन ने कहा, मैं सेठ जी चार लोगों को चूड़ी पहना के आई हूँ, आपके यहाँ चार बहुएँ थीं। सेठ जी ने कहा, चौथी बहू कहाँ से आ गई? अरे लाल लाल लहंगा, लाल लाल चूनर और पहनी पचरंगी चूड़ी, हैं कह रही थी श्याम के रंग की पचरंग चूड़ी पहना दो। पर सेठ जी की कुछ समझ में नहीं आया। सेठ जी ने कहा, तू झूठ क्यों बोलती है, मेरे घर में तो तीन ही बहुएँ हैं, मेरे तो तीन ही बेटे हैं और मैंने तो तीन ही बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए कहा था। मनिहारन लड़ने लगी पर सेठ जी नहीं माने और मनिहारन भी उदास मन लिए अपने घर वापस चली गई। बोली, ठीक है जो दिया वो ही बहुत है, इतने में ही संतुष्ट कर लूँगी। और वह चूड़ी लेकर मनिहारन अब पैसा लेके मनिहारन अपने घर चली गई। अब सेठ जी घर गए, सेठ जी ने बहुओं से पूछा, कितने लोगों ने चूड़ी पहनी? बहुओं ने कहा, हम तो तीन ही हैं पिताजी, हमने तीनों ने पहन ली। अब सेठ जी कहने लगे, एक लाल लाल लहंगा, लाल लाल चुनरी ओढ़े, कोई ने पचरंग चूड़ी पहनी है श्याम के रंग नाम की। कहने लगी, नहीं हम लोग तो साड़ी पहने थे सेठ जी, और हम लोगों ने घूंघट भी खोल रखा था और हमने तो तीन ही बहुएँ थी, तीनों ने चूड़ी पहन ली। सेठ जी रह गए। सेठ जी ने भोजन किया तो भोजन करते ही राधा रानी को याद किया, आजा बेटी मेरी प्यारी बेटी भोजन कर जा। तो खाना खा के सेठ जी सो गए। जैसे ही सोए तो राधा रानी आ गई, बोले, वाह
बेटी बनाया पर पिता ना बन सके। मनिहारन से तो कह दिया कि हमारी बहुओं और बेटियों को चूड़ी पहनाया, पर भूल गए बेटी को, इतनी जल्दी भूल गए। बेटी तो बेटी बना के बनाया और पिताजी कह भी दिया कि बहुओं और बेटियों को चूड़ी पहनाया, तो मैं कैसे ना आती? आपने ही तो कहा था कि बेटियों को चूड़ी पहनाया, तो मैं आ गई। लाल लाल लहंगा, लाल लाल चुनरी, बड़ा सा घूंघट और कृष्ण भगवान के नाम की चूड़ी पहन ली मैंने पचरंगी। आपने उस मनिहारन को पैसे नहीं दिए, उसकी बात ही नहीं मानी, उसको कुछ पूछा ही नहीं, आप तो भूल गए पिताजी, ऐसी कहीं बेटी बनाई जाती है? वाह वाह, जो सेठ जी रह गए, हतप्रभ रह गए। सेठ जी ने कहा, बेटी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उससे तो बोला था मनिहारन से कि बहुओं और बेटियों को चूड़ी पहना देना, पर मैं भूल गया। मैं जो है सांसारिक बंधनों में इतना अधिक जकड़ा हुआ हूँ कि मैं तो आपको भूल ही गया। अब राधा रानी बहुत गुस्सा करने लगी और सेठ जी उनको मनाने लगे। जैसे ही सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी फपक फपक कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, मैंने गलती कर दी, मैंने अपनी बेटी को भूल गई, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गया और मैंने उस मनिहारन को भी झूठा साबित कर दिया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं क्या करूँ? हे राधा रानी मुझसे गलती हो गई, हे मेरी प्यारी बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुमने अपने पिता के वचनों की लाज रख ली और तुम चूड़ी पहनने आ गई, पर मैं सांसारिक बंधनों में बंधा पापी भूल गया कि मेरी एक बेटी भी है जिसको मैंने चूड़ी पहनने के लिए बोला था मनिहारन से कि बेटियों को भी चूड़ी पहना देना। अब वह बहुत रोई, बहुत सेठ जी रोए और रोते रोते उतनी ही रात में और जो है मनिहारन के घर पहुंच गए, उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे, रोते हुए बोले, हे मनिहारन तू सच थी, मैं झूठ हो गया, मैं पापी हो गया, मैंने अपनी बेटी को ही भुला दिया, हे मनिहारन तू अपने पैसे ले ले, मुझे माफ़ कर दे। मनिहारन तू बड़ भागनी है, तेरा जैसा भाग किसी का नहीं हो सकता, मैं पूरे जीवन से अपनी बेटी को बेटी मान रहा हूँ, पर मैं भूल गया, मैंने उसका पैसा आपको नहीं दिया, ये पैसा ले लो। मनिहारन ने दरवाजे खोले और मनिहारन को जब पता चला कि लाल लाल लहंगा में, लाल लाल चुनरी में, घूंघट डाले हुए राधा रानी थी, इतने कोमल कोमल हाथों में मैंने पचरंगी चूड़ी पहनाई थी, तो वह मनिहारन भी फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं सेठ जी मुझे तो राधा रानी का धन मिल गया, मुझे तो राधा रानी के दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा बेकार है, इस पैसे का मैं क्या करूँगी, आप ले जाइए। सेठ जी रोने लगे, नहीं नहीं आपको हमारी बेटी की चूड़ी पहनाने की तो पैसा लेना ही पड़ेगा, इतना मार्मिक, इतना मार्मिक दृश्य कि जो भी देखे उसके सबके आंसू आ जाए, सभी रोने लगे और उस मनिहारन को धन मानने लगे। सेठ जी भी उस मनिहारन के चरणों में गिर पड़े और बोले, आपने मेरी राधा रानी के दर्शन किए हैं, इसलिए आप मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, मुझे भी राधा रानी के दर्शन होना चाहिए। और सेठ जी ने पैसे दे दिए, अपनी पूरी जेब खाली कर दी, पर वह मनिहारन उन पैसों को नहीं छू रही थी। तभी तो वृंदावन में कहते हैं, मेरो धन राधा 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 राधा, मेरो धन राधा राधा राधा। हम लोग इस सांसारिक बंधनों में फंस जाते हैं और राधा रानी को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, उनसे सच्चे मन से सेवा नहीं करते हैं, उनका कोई भी आचरण हम लोग नहीं अपनाते हैं, इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। हो सकता है आपको भी यह कहानी पसंद आए और आप भी थोड़ा सा भगवान का भजन करो और राधा 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 का जप करो। कहते हैं कि राधा राधा जपोगे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, यह सत्य है। इसलिए हमें अपनी राधा रानी को नहीं भूलना है, हमें अपनी राधा रानी का स्मरण तो करना ही चाहिए। आप इस कहानी को सुनिए और जो है राधा रानी को भजिए और कृष्ण के जो है कृष्ण को बिना मोल खरीद लीजिए। कहते हैं जो राधा जपता है कृष्ण उसमें बिक जाते हैं और कृष्ण को आप सहर्ष प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए हमें अब राधा रानी को ही जपना है। राधे 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 राधे।